सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम करने वाले रिव्यू इस कमाल के बेबलेट का, जो कि है हमारा रॉक लियोन। सो काफी जबरदस्त बेबलेट है एंड काफी अच्छे कंडीशन में मिल गया मुझे एंड काफी बढ़िया बेबलेट है। सो इसका आज हम रिव्यू करेंगे। सो गाइस, रिव्यू को शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। कमेंट वीडियोस बनाता हूँ वहां पर एंड बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, इसका जो पहला चीज है यह है इसका फेस बोल्ट, जो कि है रॉक लियोन का फेस बोल्ट। देख सकते हो लियोन का स्टिकर लगा हुआ है एंड व्हाइट कलर में, काफी बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। एंड इसके साथ हमें मिलता है इसका जो एनर्जी रिंग या फिर जो भी बोल लो, क्लियर व्हील, क्रिस्टल व्हील, एक ही बात है। एंड ये भी देख सकते हो हल्का ब्लू या फिर ग्रीन कलर में, काफी बढ़िया दिख रहा है, काफी खूबसूरत लग रहा है देखने में। एंड इसके बाद हमें मिलता है इसका फ्यूजन व्हील, जो कि है रॉक व्हील, काफी बढ़िया रॉक व्हील मुझे लगता है। देख सकते हो इसका वेट भी काफी अच्छा खासा है एंड डिफेंस टाइप बेबलेट्स के लिए काफी बढ़िया साबित होता है एंड काफी अच्छा है, आप देख सकते हो, मुझे तो काफी पसंद है। एंड उसके बाद मिलता है हमें इसका स्पिन ट्रैक, 145 स्पिन ट्रैक, बहुत सारे बेबलेट्स में यूज हुआ है, आपने देखा होगा। एंड ये है इसका बॉल टिप, जो कि एक डिफेंस टाइप टिप है, क्योंकि बेबलेट डिफेंस टाइप है, काफी बढ़िया बेबलेट है, मुझे तो काफी पसंद है रॉक लियोन। एंड अभी इसको असेंबल करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ एंड टेस्ट स्पिन भी करेंगे एंड टेस्ट बैटल भी करेंगे। एंड गाइस, देख सकते हो अपना रॉक लियोन कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है यार, क्या कमाल का बेबलेट है। एंड इसका जो व्हाइट पार्ट्स है काफी बढ़िया दिख रहा है। एंड गाइस, बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइस आ रहा है, सो उसके लिए सॉरी, सो थोड़ा इग्नोर करो। एंड बेबलेट देख सकते हो काफी अच्छा है। अभी जल्दी से एक छोटा सा टेस्ट स्पिन करेंगे हम एंड ये अपना डीवी लॉन्चर, मॉडेड डीवी लॉन्चर के लिए काफी बढ़िया वर्क करता है। 3-2-1 लेट इट रिप। स्पिन देख सकते हो गाइस, काफी बढ़िया स्पिन है यार, डीवी लॉन्चर में क्या स्पिन मिलता है बेबलेट्स को। सो आप कैमरा में कैसा देख रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। इसका स्पिन बहुत ही मतलब ओपी टाइप का स्पिन है एंड डिफेंस टाइप बेबलेट है, देख सकते हो। सो काफी बढ़िया बेबलेट है यार, रॉक लियोन इज ग्रेट, काफी बढ़िया बेबलेट है एंड बैटल्स में भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है। तो गाइस, अभी जल्दी से एक दो बैटल्स कर लेते हैं इसके साथ एंड देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है बैटल में। सो पहला बैटल करेंगे स्टॉर्म पेसेस वर्सेस लॉग रॉक, अरे यार रॉक लियोन, थोड़ा फंस गया मुंह में, कोई नहीं। सो इन दोनों में बैटल करेंगे एंड इन दोनों का डेडिकेटेड बैटल कल आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का डेडिकेटेड बैटल बनता है गाइस, दोनों ही राइवल्स है, काफी बढ़िया। सो पहले लॉन्च करेंगे रॉक लियोन को, 3-2-1 लेट इट रिप। एंड अभी पेसेस को, 3-2-1 लेट इट रिप। एंड देख सकते हो पेगासस काफी अच्छा अटैक कर रहा था, लेकिन अभी नहीं मार पा रहा है अपने लियोन को एंड नॉकआउट नहीं कर पाया, तो लियोन के सामने उसका जो स्टैमिना है उसके सामने नहीं टिक पाएगा। एंड काफी बढ़िया डिफेंस टाइप बेबलेट है, जैसे कि मैंने आपको कहा पहले ही। सो इसी के साथ मुझे लगता है अपना रॉक लियोन जीत जाएगा एंड देख सकते हो अभी बहुत ज्यादा स्टैमिना बचा है रॉक लियोन में। एंड इसी के साथ रॉक लियोन पहला राउंड जीतता है, एक और राउंड कर लेते हैं दोनों के बीच में। 3-2-1 लेट इट रिप। एंड अभी लॉन्च करते हैं पेसेस को, 3-2-1 लेट इट रिप। एंड मैंने थोड़ा ट्राई किया फ्लावर पैटर्न में लॉन्च करने का एंड हुआ भी, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं है, ऐसे तो पेसेस नहीं जीत पाएगा, कोई नहीं, पेसेस को रोक लेते, एक और बार करते लॉन्च, 3-2-1 लेट इट रिप। हाँ, ये जो अटैक्स है ये अटैक सही है, हमें देखने में भी मजा आता है तब। एंड काफी अच्छे अटैक्स इस बार भी, लेकिन नॉकआउट तो नहीं कर पाएगा फैंग नहीं रॉक लियोन को, क्योंकि रॉक लियोन काफी ज्यादा स्ट्रांग है गाइस, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग। एंड इसी के साथ अपना पेगासस भी हार गया, स्ट्रॉन्ग पेगासस, सो इसको अभी रखते हैं एंड अभी ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर से करते हैं बैटल, 3-2-1 लेट इट रिप। एंड अभी लॉन्च करते हैं ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर को, 3-2-1 लेट इट रिप। एंड इन दोनों में काफी अच्छा बैटल होगा, देखने में मजा आएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स देखने को मिलेंगे हमें। एंड गाइस, बैकग्राउंड के नॉइस के लिए अगेन माफी चाहता हूँ। एंड नॉकआउट कर दिया ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर को, सो कोई नहीं, एक और राउंड कर लेंगे ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर के साथ, 3-2-1 लेट इट रिप, 3-2-1 लेट इट रिप। एंड फिर से शुरू हो चुका है दोनों बैटल यार, किया खतरनाक वाला अटैक एंड इस बार नॉकआउट हो गया है हमारा फैंग नहीं रॉक लियोन ठीक है, रॉक लियोन। सो रॉक लियोन नॉकआउट हो गया, सो कोई नहीं, एक और राउंड कर लेते हैं, ये डिसाइडेड राउंड हुआ गाइस, देखते हैं क्या होता है।
थ्री टू वन लेट इट रिप एंड फिर से हमारा रॉक लियोन नॉकआउट हो चुका है। सो ये कैसा वेवलेट है, ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर, मतलब ये इसका कोई ठीक नहीं है, कभी खुद उड़ जाएगा कभी वेवलेट को उड़ा देगा। सो कोई नहीं, इससे हार गया कोई नहीं, अगली बार जीतेगा गाइस, नो प्रॉब्लम। अभी कुछ वेवलेट से करते हैं, अभी गाइस अपना फेक वाला कॉस्मिक लियोन। सो इन दोनों में भी डेडिकेटेड बैटल में करूंगा, मुझे करना है, क्योंकि ये है कॉस्मिक लियोन फेक वाला एंड ये है हमारा रॉक लियोन। फैंग लियोन निकल जा रहा मुंह से लेकिन रॉक लियोन। 3-2-1 लेट इट रिप, 3-2-1 लेट इट रिप एंड ये हमारा अटैक मोड में अभी फेक वाला कॉस्मिक लियोन एंड ये काफी अच्छा हिट, लेकिन हमारे रॉक लियोन को कोई फर्क नहीं पड़ा है अभी तक। तो रॉक लियोन हरा देगा इसको, क्योंकि रॉक लियोन का वेट ज्यादा है, हमारे कॉस्मिक लियोन से ज्यादा है रॉक लियोन का वेट, क्योंकि इसका जो रॉक व्हील है काफी बढ़िया है एंड ओरिजिनल है, तो वेट अच्छा ही होगा। 3-2-1 लेट इट रिप, 3-2-1 लेट इट रिप एंड इस बार पागल हो चुके हैं हमारे कॉस्मिक लियोन एंड देखते हैं इस बार क्या होता है गाइस। तो इस बार भी लगता है अपना फेक वाला कॉस्मिक लियोन नहीं जीत पाएगा गाइस। सो ये फिर से हार गया। सो अभी एक और लास्ट बैटल किससे करें, लास्ट बैटल कर लेते हैं अपने क्या बोलते हैं आर्टिकल के सामने। आर्टिकल से लगता है जीत नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, लास्ट बैटल है ये, एक ही राउंड करेंगे एंड वीडियो को एंड करेंगे। 3-2-1 लेट इट रिप, 3-2-1 लेट इट रिप एंड हमारा आर्टिगल जो कि एक महान बेवलेट है, लेजेंडरी बेवलेट मेरे हिसाब से, तो काफी बढ़िया बेवलेट है, 4D वेवलेट्स को भी हराने का दम रखता है अपना क्या बोलते है आर्टिगल। हाँ आर्टिगल काफी बढ़िया बेवलेट है गाइस, मुझे काफी पसंद है आर्टिगल, आप लोग को पसंद है तो कमेंट में बताओ, आपका कौन सा फेवरेट MFB है वो कमेंट में बताओ। मुझे तो पसंद है आर्टिगल, लेकिन फेवरेट तो मेरा है बिग बैंग पेगासस बचपन से, अभी छोटा ही हूँ लेकिन फिर भी बचपन से गाइस। एंड इसी के साथ हमारा रॉक लियोन अपना स्टैमिना खोते हुए, लेकिन आर्टिकल के पास अभी काफी ज्यादा स्टैमिना मुझे दिख रहा है। सो देखते हैं कितना आगे तक जा पाता है रॉक लियोन। एंड रॉक लियोन धीमा होते हुए एंड आर्टिकल भी धीमा हो ही गया था, लेकिन रॉक लियोन हार गया गाइस। जैसे कि मैंने आपको कहा आर्टिकल के सामने जीतना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सो गाइस इतना ही था आज के वीडियो के लिए, आपको कैसा लगा रॉक लियोन कमेंट में बताना एंड गाइस व्यूज बहुत कम आ रहे, सो शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। एंड मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स क्या हुआ तुम्हें, तुम लोग वीडियो नहीं देख रहे हो मुझे पता चल रहा है एनालिटिक्स में। सो कोई नहीं गाइस, जो भी है जो भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड हैप्पी ब्लेडिंग।